चलो सब लोग कम क्लोज, इस बार टाइम पे आ गया भाई। देखिए कितना टाइम पे आया, टाइम से पहले आ गया भाई। इधर लेफ्ट में बर्थडे लेफ्ट, बर्थडे था भाई, लेफ्ट भाई, सेंटर कुर्ता गड़ा क्या अरुण थैंक यू। रोल रोल लुक, ये दोनों के बीच में रहेगा। रोल 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 और मैं बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि 10 मिलियन हो गया किसी का, 1 करोड़ हो गए, 1 करोड़ हो गए, तो एकदम शानदार पार्टी प्लान किया है हमारे भाई ने, अभी भी और बाद में भी। तो हम लोग बहुत मजा करने वाले, इससे पहले भी पार्टी की है हम लोग, पर नहीं हो पाई थी ना बर्थडे, अभी तो अभी सेलिब्रेट कर बर्थडे की कसर अभी निकालने वाले हैं क्योंकि मेरे बर्थडे के टाइम पे एक अर्जेंट शूट आ गया था जोश का, तो वहाँ सब बिजी हो गए थे, तो अभी बर्थडे की कसर आज निकलेगी निकलेगी। ये फैमिली तो स्ट्रांग हुई है लेकिन इसके साथ-साथ आप लोगों का बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रांग हुआ है इतने वक्त में? तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्ट्रांग है, इतने साल से हम लोग फ्रेंड है, जैसे-जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे-वैसे और स्ट्रांग होते जा रहा है और इंशाल्लाह आगे और स्ट्रांग हो जाएगा और रेव जी में वर्कआउट करते करते और स्ट्रांग हो जाएगा। सबको इंडिविजुअली काम करते तो हम देख ही रहे हैं लेकिन 307 एक साथ कब इसी मंथ एंड यही मंथ इसी मंथ एंड इंशाल्लाह 23 को इसी मंथ में एक बहुत ही धमाकेदार गाना आने वाला है पूरे ग्रुप का, और वो गाना ऐसा है, इतना मस्त पार्टी सॉन्ग है कि हर क्लब में 31 को मुझे लग रहा है कि हर क्लब में एंडिंग गाना जो रहता है ना, जो सबसे अच्छा गाना रहता है वो एंड में बजता है, तो वो गाना बजेगा, मुझे ऐसा वाइब आ रही है, तुम लोग को नहीं लग रहा? देखा होगा कि पॉन्चो स्टाइल ऐसा होता है, मगर ये अभी मेंस के लिए आया है तो इसका स्टाइल थोड़ा अलग है और ब्रॉड बॉटम प्लस नैरो। थैंक यू। डिजाइनर ऑब्वियसली बहुत ही हट के आपके लिए सोचते हैं बिकॉज़ हमने देखा है आपका लुक हमेशा से ही हटकर और बहुत ही अलग रहता है, कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से आपका आउटलुक रहता है आपके लुक को लेकर या फिर आपने सब उन पर छोड़ कर रखा है? नहीं, मैंने उनके ऊपर तो कभी छोड़ के नहीं रखा है और हमेशा से ये जो चीज़ है ये मैंने खुद से ही सेटअप किया, जैसे कि हम लोग को आप देख सकते हो कि हम लोग हमेशा से पूरी कोशिश करते हैं कि थोड़ा यूनिक स्टाइल करें और अल्हम्दुलिल्लाह वो दिख के भी आता है। तो जो मेरा इनपुट है वो 70% बोलूँगा, 30% मेरे डिज़ाइनर का भी है क्योंकि कोई कोई चीज़ जो अभी मैं सीख रहा हूँ उनसे तो वो मुझे अच्छा फ़ायदेमंद दे रहा है। थैंक यू। कैरी करने के ऊपर भी होता है, बहुत सारे लोग कैरी नहीं कर पाते पर अपना भाई सब कुछ कैरी कर लेते हैं और हम लोग भी सब कुछ भी कैरी करने के ऊपर है ऑलमोस्ट, तो सब लोग कैरी कर लेते हैं और फैसल तो आपको तो पता ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे रुक, ये छुट्टियाँ लेके जाएगा उसको। आएगी आएगी। अरे गाय करते गए गाई लग लिया बताया वीडियो तो यूज हमारे यार। भैया हट जाओ ना, आप हट जाओ उनका।
कौन लाइट मार लिया कड़क जाना जी आए कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ और आई लाइक टू थैंक माई फैंस जिनकी वजह से और जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया उनके वजह से मुझे अवार्ड मिला है एंड आई फील वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल। मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं और दे लुक अप टू मी और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं उनको जितना अच्छा कॉन्टेंट हो सके उतना दूँ उन्हें बहुत अच्छी तरह से इन्फ्लुएंस करूँ ऐसा कभी कुछ ना करूँ जिसके वजह से वो थोड़ा भी गलत इन्फ्लुएंस हो जाए बट आई फील वेरी हैप्पी एंड वेरी ब्लेस्ड अबाउट इट। ये ट्रॉफी मैं अपने फैंस को डेडिकेट करना चाहूँगी बिकॉज उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है उन्होंने मुझे यू नो इन्फ्लुएंसर बनाया है उन्होंने मुझे इतना पसंद किया है एज जन्नत मेरे रियल पर्सनालिटी को सो दिस अवार्ड गोज़ टू। ओके सो रिसेंटली देयर आर सो मेनी वीडियोस केम आउट आपके पोस्टर्स की बात करें बहुत सारे पोस्टर्स से ज्यादा बहुत से दिखे पर्सनली आपके कौन से फेवरेट पोस्टर हैं आपको लगता है कि हां नहीं आई थिंक जैसे हम बोलते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ वर्सटाइल एक्टर नो मैटर आप क्या पहन रहे हो आप कौन सा कैरेक्टर कर रहे हो उसमें आपको ढल जाना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक इट सेम हैपन्स विद योर कोस्टार्स ऑल्सो यू नो नो मैटर आप किसके साथ शूट कर रहे हो आपको अपना 100% देना है और यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबके साथ अच्छे दिखो कम्फर्टेबल दिखो और लोग आप लोगों से कनेक्ट कर सकें और लोग आप लोगों को पसंद कर सकें सो दैट्स व्हाट आई थिंक। आई जस्ट शॉट फॉर टू म्यूजिक वीडियोज जो कि आएंगे प्लस आई कम्प्लीटेड कुलचे छोले का शूटिंग जो कि नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी सो आई होप आप लोगों को पसंद आए। आने वाले समय में बड़े पर्दे या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगा।
हाँ जी, कुलचे छोले मेरी पंजाबी फिल्म है जो कि नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी, तो आई होप लोगों को मेरी पंजाबी पसंद आए। उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ही प्यारे हो और मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, एंड यू गाइस मीन सो मच टू मी, आई लव यू ऑल। जनत एक सेकेंड भाई, विजुअल हम लोग का काम हो लो, फिर आप मैडम चली जाए, नहीं जाएंगे तेजस पल्लीकर ने ना।